हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में। अब हम लोग अपने जो क्वेश्चन बचे हुए हैं पाषाण काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको करने वाले हैं। क्लास वन और क्लास टू पाषाण काल की जो हुई थी उसमें हमने उसे कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आए हुए हैं। चलिए एक बार मेरे साथ इन क्वेश्चंस को कीजिए और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम लोगों ने जो भी क्लास में पढ़ा, क्लास वन क्लास टू में जो भी पढ़ा, उसमें से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। और जो भी चीजें वहां पर मैंने नहीं करवाई होंगी, यहाँ पर अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो उनके माध्यम से उनको मैं करवा दूंगा। आप उसी चैप्टर में उसको नोट कर लें। ठीक, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एकदम जोश के साथ क्वेश्चन शुरू कीजिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चंस जो हमको करवाए जा रहे हैं, ये हमको आते हैं और हमको पढ़ाए गए हैं, और जो नहीं पढ़ाया गया है उसको हम नोट डाउन करेंगे कॉपी में साथ साथ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो देखिए, मैंने आपको इनके बारे में बताया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में एक बार फिर से आपको बताता हूँ। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। किसका? प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रागैतिहासिक काल का जनक क्या किया था इन्होंने? 1863 में पल्लवरम नाम के स्थान पर इन्होंने हस्त कुठार की खोज की थी, हैंड एक्स की खोज की थी पल्लवरम में। हैंड एक्स की खोज की थी पल्लवरम में। और हैंड एक्स की खोज जब पल्लवरम में की है, तो पल्लवरम कहाँ है? पल्लवरम तमिलनाडु में है। हमने पाषाणकालीन स्थलों को भी भारत के मैप के माध्यम से पढ़ा था, तो हमने वहां पर देखा था अतिरम्पक्कम, पल्लवरम और एक स्थल टेरी स्थल, ये सब कहाँ थे? ये तमिलनाडु में थे। ठीक, तो इसमें आपको बताना है रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। तो भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, इतिहासकार, ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर केवल पुरातत्वविद नहीं होगा, वे एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, वे एक पुरातत्वविद भी थे। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी डी वाला इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, इसका आंसर डी वाला आंसर होगा, इसको मैं हटा देता हूं, तो ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने पहले ही लेक्चर में इसमें पढ़ा था पाषाण काल में कि इतिहास का विभाजन दो लोगों ने किया है। एक ने धातुओं की प्राप्ति के आधार पर किया, तो धातुओं की प्राप्ति के आधार पर करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? क्रिश्चियन थॉमसन। और एक ने लिखित साक्ष्यों की आधार पर किया, तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर करने वाले का नाम था जॉन ब्रूस। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? तो पाषाण, कांस्य और लोह, तो बताइए ये क्या है? धातु। कांस्य और लोह क्या है? धातु। तो धातुओं के आधार पर जहां पाषाण का प्रयोग हुआ वो पाषाण काल हो गया, और जहां पर कांस्य का प्रयोग हुआ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वो कांस्ययुगीन सभ्यता या कांस्य युग हो गया। यहाँ पर लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल में, वो वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? तो उसको हमने लोह युग में कह दिया। तो इसका आंसर होगा क्रिश्चियन थॉमसन। और अगर यहां पर होता कि लिखित साक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर, तो उसका आंसर क्या होगा? लिखित साक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर आंसर होता जॉन ब्रूस। ठीक, जॉन ब्रूस, एक बार इसको आप जरूर पढ़ लें, चैप्टर में हमने किया है इसको। अगला, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ होता है? मध्य पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पाषाण काल है उसका विभाजन किया था। पाषाण काल का विभाजन तीन भागों में, कौन कौन सा? पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल तीन भागों में बांटा जाता है, एक दो तीन, कौन से तीन भाग हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ध्यान रखना, पुरापाषाण काल में आता है मध्य पुरापाषाण काल, लेकिन एक अलग से आता है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, और यहीं पर माइक्रोलिथ भी मिले थे, पत्थर के छोटे नुकीले हथियारों को माइक्रोलिथ कहते हैं। और महापाषाण कहाँ मिला था? नवपाषाण काल में महापाषाण हमको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ पूछ रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे मध्य पाषाण काल में, क्योंकि यहाँ पर दो स्थल मिलते हैं, आदमगढ़ और बागोर, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और बागोर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, और आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, जबकि बागौर राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण काल के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया
कौन सा है स्थान? आदमगढ़। यहाँ पर देखिए और कोई सा आंसर हो सकता है क्या? आदमगढ़। कौन सा आंसर होगा? आदमगढ़। लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। ये स्थल भी याद रखिएगा, लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। बीर भानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बीर भानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और चौपानी मांडो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में? प्रयागराज में। चौपानी मांडो क्यों प्रसिद्ध है? क्यों, क्या मिला था चौपानी मांडो से? तो चौपानी मांडो में मिट्टी के बर्तन पर रस्सी के निशान मिले हैं। चौपानी मांडो से क्या मिले थे? मिट्टी के बर्तन पर रस्सी के निशान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो हमने पढ़ा है हड्डी के उपकरण तीन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा के अनुसार हड्डी के उपकरण तीन स्थानों से मिले उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? सराय नाहर राय से मिले, दमदमा से मिले और महदाह से मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको एक आंसर लगाना हो, जैसे यही ऑप्शन दी हो, एक आंसर लगाना हो, तो वो आंसर होगा महदाह, उसमें सराय नाहर राय आंसर नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, सराय नाहर राय में भी मिले, जी आर शर्मा इस बात को बताते हैं, तो इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। लेकिन अगर एक लगाना पड़े और ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप आंसर महदाह लगाएंगे, महदाह। और हमने प्रतापगढ़ में तीन स्थल पढ़े थे, ध्यान कीजिएगा, प्रतापगढ़ के तीन स्थल मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, यानी प्रतापगढ़ में लगता है सदमा, तो सा से सराय नहर राय, दा से दमदमा और मा से माधा, तो सदमा हो गया। सराय नहर राय से क्या मिला था, एक बार फिर से बता देता हूं, तो सराय नहर राय, ये वाला स्थान, सराय नहर राय से एक समाधान में चार मानव कंकाल मिले थे, चार मानव कंकाल। महदाह में हड्डी के उपकरण मिले हैं, और इसके अलावा जो बच गया हमारा दमदमा, दमदमा से क्या हुआ था, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले थे। कितने? तीन मानव कंकाल। और वहां पर टोटल 41 कब्रें मिली हैं, जिसमें 48 कंकाल मिले हैं। कैसे 48 कंकाल हुए थे, ये भी मैंने समझाया था अपनी क्लास में, दूसरी क्लास में, क्लास टू, पाषाण काल की क्लास टू आप देख सकते हो इसके लिए। तो मैंने वहां पर बताया था, यहाँ पर टोटल 41 समाधान है, जिसमें पांच समाधान ऐसे हैं जिसमें दो दो कंकाल निकले हैं, यानी 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएंगे। एक ऐसी है कब्र जहां से तीन मानव कंकाल मिले हैं, तो 10 और 3 13 बच गए, कितने? 35 समाधान बचे, तो 35 में एक एक मिला है तो 35, तो 35 10 और 3 जोड़ेंगे तो 48 कंकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप सी और डी दोनों मानेंगे, लेकिन एक आंसर लगाना होगा, तो इसका आंसर क्या लगेगा? महदाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको स्थल पता होने चाहिए कहाँ कहाँ है। तो देखिएगा, इसको पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं, और अब इन स्थलों को हम लगाते हैं। देखिए, पैसरा है बिहार में, पैसरा कहाँ है? बिहार में। पैसरा बिहार में है, पैसरा है बिहार में, तो हमने ए को लिख दिया बिहार में। इसके अलावा दूसरा है लिखैया, लिखैया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में इसको लगाना है, तो हमने इसको लगाया, प्रयागराज के समीप में मिर्जापुर पड़ता है, तो यहाँ पर लगाया ये, यहाँ बी। इसके बाद बीर भानपुर सी, ये पश्चिम बंगाल में है, अभी पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, सी। इसके बाद महदाह, महदाह कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में, तो महदाह पड़ता है प्रतापगढ़ में, यहाँ पर लगाएंगे डी। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी बी ए और सी, डी बी ए और सी, ये इसका आंसर हो गया, डी बी ए सी, ये इसका आंसर, ये इसका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से तीन मानव कंकाल निकले हैं एक ही कब्र से? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल दमदमा में। टोटल 41 समाधान वहां मिले जहां 48 कंकाल मिले हैं, एक कब्र ऐसी है जहां से तीन मानव कंकाल मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो देखिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा काल, तो कब शुरू हुई थी? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी, इस बात को हमने पढ़ा भी था। ठीक है, अब पशुपालन की शुरुआत की बात होगी तब क्या आएगा? मध्य पाषाण काल में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नव पाषाण काल। इसके अलावा सबसे पहला जो खाद्यान्न था मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला, वो था जौ। कौन सा था? जौ। यहाँ पर देख लीजिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। और मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहली धातु कौन सी है? तांबा। सबसे पहली धातु जो प्रयोग मानव ने की थी, खोजी थी, वो कौन सी थी? तांबा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, नर्मदा घाटी में। स्थान का नाम है हतनौरा, हतनौरा एक जगह है जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? सीहोर जिला। देखिए यहाँ पर हतनौरा मध्य प्रदेश लिखा है, आप सीहोर जिला भी और जोड़ सकते हैं यहाँ पर। और इसकी खोज की थी अरुण सोनकिया ने, 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा लोहरा द्वीप। कहां से मिलते हैं? लोहरा द्वीप से यहां पर धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर कृषि का पूछा जाए तो वो भी कहां से मिला है? लोहरा द्वीप से। और लोहरा द्वीप कहां है बताएगा कोई? लोहरा द्वीप कहां है? लोहरा द्वीप पड़ता है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। कोलडीवा की अगर हम बात करें तो कोलडीवा कहां पड़ता है? प्रयागराज में, प्रयागराज। पहले धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य का आंसर यही हुआ करता था कोलडीवा, लेकिन अब आंसर क्या हुआ करता है? लोहरा द्वीप। इसके अलावा अगर गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है तब क्या लिखेंगे आप? मेहरगढ़। गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य की बात होगी तो क्या होगा? मेहरगढ़। ठीक, चलिए। लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। लंगनाज गुजरात में, ठीक, लंगनाज गुजरात में। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये यूपी पीसीएस यूपी आर ओ आर ओ प्री 2021 में पूछा हुआ सवाल है। और सवाल देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संबंध में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। कहां से मिले हैं? लोहरा द्वीप से। इससे पहले कहां मिले थे? कोलडीवा में। तो दोनों स्थल तो यही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। क्या उत्तर प्रदेश के स्थलों से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? बिल्कुल सही है। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, यह भी बिल्कुल सही है। जौ अभी मैंने आपको बताया था मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी? वो थी जौ। तो धान भी उसमें आता है, धान जौ गेहूं, ये सबसे पहले प्रयुक्त की जाने वाली फसलें थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी एक और दो दोनों इसका आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बागोर। बागोर सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? बागोर राजस्थान। बागोर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। और मध्य पाषाण काल के इस स्थल से, बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ नामक स्थल से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाणकालीन स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो देखिए, इसका आंसर तो होगा एचडी सांकलिया। लेकिन ध्यान रखें, ताम्रपाषाणकालीन स्थल एक बार हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। बहुत आसान सा है, इसमें कुछ ज्यादा खास बात है नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल की बात अगर करें हम, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां, तो इसमें तीन प्रमुख संस्कृतियां आती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक है आहाड़ संस्कृति, इसी को हम आहाड़ संस्कृति भी कहते हैं, इसी को हम आहाड़ संस्कृति भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हड़प्पा के लगभग समकालीन है, हड़प्पा के समकालीन चलती है। तो आहाड़ संस्कृति ये बनास नदी की घाटी में पाई गई है, इसलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान में हमको देखने को मिलती है, राजस्थान के उदयपुर वाले क्षेत्र में, राजस्थान के उदयपुर वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र को ताम्बवती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ताम्बवती। तो तांबे का प्रयोग होता था, ताम्बवती, यानी तांबा और पत्थर दोनों संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते थे, इसीलिए संस्कृति को ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं क्योंकि तांबा और पत्थर दोनों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता था। और इसी को अंग्रेजी में, ताम्रपाषाण को हम अंग्रेजी में ही कहते हैं चालकोलिथिक एज। तो कभी कभी एग्जाम में सिंपल सवाल ऐसे ही आता है, चालकोलिथ क्या है? तो आप कहेंगे ताम्रपाषाण। चालकोलिथ ताम्रपाषाण, तांबा और पत्थर दोनों का साथ साथ प्रयोग ही क्या है? ताम्रपाषाण। ठीक, इसके अलावा दूसरी संस्कृति है जिसका नाम है मालवा संस्कृति, ये भी एक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, मालवा संस्कृति। और मालवा संस्कृति में आपको तीन स्थल याद रखने हैं। कौन से वो तीन स्थल हैं? देखिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, वो तीन स्थल हैं कायथा, पहला स्थल है कायथा, दूसरा स्थल है नवदा टोली, नवदा टोली, और तीसरा स्थल है एरण। एरण का अभिलेख आप लोगों ने सुना होगा, एरण का अभिलेख, ये गुप्त काल में हमको पढ़ना है। एरण का अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, एरण का अभिलेख। ठीक, तो इसको हमें बाद में जाके पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कायथा, नवदा टोली, एरण, ये मालवा संस्कृति के हिस्से हैं और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का उदाहरण है ये। इसमें कायथा में याद रखिएगा, कायथा में एक ही घर से तांबे के 29 कंगन मिले हैं, कहीं कहीं आपको ये 28 कंगन मिल जाएगा। ठीक, 28 या 29 जो भी हो, दोनों आंसर सही है बिल्कुल। तो तांबे के 29 कंगन,
और दो कुल्हाड़ियां एक ही घर से कायथा में। और नवदा टोली के बारे में आपको याद रखना है, नवदा टोली का उत्खनन करवाया था एच डी संकालिया ने इसका उत्खनन करवाया था, ये ध्यान रखना। और तीसरा स्थल है तीसरा संस्कृति है जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति की खास बात क्या है, देखिए यहां पर बताता हूं आपको। जोरवे के बारे में दो चीजें याद रखनी है जोरवे के बारे में। तो जोरवे संस्कृति में सबसे खास बात यह है, यहां पर फर्श के नीचे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और फर्श के नीचे शवों को दफन किया जाता था, शवों को दफनाया जाता था उत्तर दक्षिण दिशा में। किस तरह से? उत्तर दक्षिण दिशा में, इस तरह से, नॉर्थ ये साउथ। तो फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में शवों को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो जोरवे संस्कृति से साक्ष्य मिलते हैं। और जोरवे संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहां सोने के आभूषण मिलते हैं, केवल जोरवे संस्कृति में सोने के आभूषण मिले हैं। तो केवल कौन सी संस्कृति में सोने के आभूषण मिलते हैं? तो जोरवे। ठीक, ये दो बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसी क्वेश्चन को पहले हम देख लें। क्वेश्चन क्या है? तावर पाषाणकालीन स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो आंसर होगा एस डी सांकलिया ने करवाया था। और इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा, बड़ी आसान सी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से याद रह जाएगा आपको। ट्रिक है, नई टोली ने शंख लिया, एक नई टोली थी उसने शंख लिया, तो नवदा टोली संकलिया, ये संकलिया, नवदा टोली संकलिया, ठीक, नवदा टोली संकलिया, एच डी संकलिया। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया है? तो एच डी संकलिया ने करवाया है। नई टोली ने शंख लिया, याद रखिएगा, नई टोली ने शंख लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस रूप में महापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, इसको एक बार देखते हैं। महापाषाण क्या है पहले तो ये, मैंने आपको महापाषाण बताया था क्या होता है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक लघु पाषाण या सूक्ष्म पाषाण और एक महापाषाण यानी माइक्रोलिथ मेगालिथ। माइक्रोलिथ किस समय की विशेषता है? तो मध्य पाषाण काल की, और मेगालिथ नव पाषाण काल की, दक्षिण भारत में मिले हैं ये, ध्यान रखिएगा। महापाषाण, और महापाषाण में क्या होता था मैंने आपको बताया भी था, महापाषाण में एक जैसे आपके पास एक कब्र है, उसमें व्यक्ति को दफनाया और इसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। इन बड़े बड़े पत्थरों से युक्त ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? महापाषाण कहते हैं। अब ये जो चीज मैंने आपको समझाई है इसके हिसाब से आंसर दीजिए जरा। पहला, सन्यासी गुफाओं के रूप में पहचान की गई है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं यहां पर आया ही नहीं है। दूसरा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है, बताइए मृतक को दफनाया गया कि नहीं, उसके चारों तरफ क्या रखे गए हैं? पत्थर रखे गए हैं, बड़े बड़े पत्थर, इसीलिए इनको महापाषाण कहते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। तीसरा, मंदिर के रूप में, क्या मंदिर है? मंदिर नहीं है, ठीक। और मंदिर के जो प्रमाण मिलना चालू होते हैं वो गुप्त काल से मिलना चालू होते हैं, काफी बाद की बात है, इस समय में कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इत्यादि नहीं हुआ करता था, ठीक है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, देखिए महापाषाण पे क्वेश्चन भी आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और हो सकता था कि माइक्रोलिथ की पहचान किस रूप में हुई है, तो माइक्रोलिथ क्या है? मध्य पाषाण काल में मिले पत्थर के छोटे नुकीले हथियारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राख का टीला किस नव पाषाणकालीन स्थल से मिला है? तो मैंने मैप में आपको पाषाणकालीन स्थल कुछ पढ़ाए थे, पढ़ाते समय आपको ये बताया भी था कहां से राख मिली है, राख के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये राख का टीला उसने आपसे पूछ लिया। बताइए इन चारों में कोई ऐसा पड़ा हुआ लग रहा है जहां पे आपको राख के साक्ष के बारे में बताया था? ध्यान कीजिए, आपको संगन कल्लू नाम की जगह बताई थी, एक आपको कर्नूल गुफा बताई थी जो आंध्र प्रदेश में है, कर्नूल गुफा, वहां से भी राख के साक्ष मिलते हैं, और राख का टीला संगन कल्लू में मिलता है। कहां मिलता है? संगन कल्लू। और संगन कल्लू कहां है? कर्नाटक। कर्नाटक में अपने लोगों ने स्थल पढ़े थे, हल्लूर नाम का स्थल पड़ा, संगन कल्लू नाम का स्थल पड़ा था, हुंसगी नाम का स्थल पड़ा था। और हुंसगी के बारे में याद रखिएगा एक बात, यहां से चूना पत्थर के बने हुए हथियार मिले हैं, चूना पत्थर के उपकरण यहां से मिलते हैं, चूना पत्थर के उपकरण कहां से मिलते हैं? हुंसगी। और हुंसगी कहां है? कर्नाटक।
हुंसगी कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 16वां क्वेश्चन, किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी, कुत्ते के कंकाल, एक मिनट रुकिएगा, किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो वो स्थल हमने कौन सा पढ़ा था, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में एक स्थल था जिसका नाम था बुर्ज होम, और बुर्ज होम से हमको दो चीजें मिलती हैं, एक तो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिलता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, और दूसरा आपको गर्तावास मिलता है। तो गर्तावास भी कहां से मिलता है, बुर्ज होम से, और बुर्ज होम स्थल कहां मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, बहुत आसान सा सवाल था, अब आप आंसर बता दीजिए एक बार, क्या आंसर होगा? ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद और मास्की, बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। चिरांद कहां है, चिरांद, चिरांद कहां था, चिरांद और चेचर दोनों कहां थे, बिहार में, दोनों कहां थे, बिहार में, इसको याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी कहां है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कहां है, कर्नाटक में। मास्की, मास्की, मास्की के बारे में कुछ याद है आपको, मास्की का संबंध यहां से नहीं है, लेकिन मास्की में क्या था, मास्की में अशोक नाम वाला शिलालेख मिलता है, सर्वप्रथम अशोक नाम वाला शिलालेख कहां से मिला है, मास्की, और अशोक के चार शिलालेख हैं जहां पर उसका नाम अशोक दिया हुआ है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम, ये हम अशोक में पढ़ेंगे, जब हम अशोक को पढ़ेंगे मौर्य काल में तब। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है, इतिहास में पाषाण काल का उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है, और एक जगह है जिसका नाम है लिखैया, लिखैया से ये मिले हैं। ठीक, अब यहां पर मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं, कुछ विद्वानों के द्वारा ये माना जाता है कि लिखैया से, जो मिर्जापुर में लिखैया है, वहां से 17 मानव कंकाल मिले हैं, कितने, 17 मानव कंकाल मिले हैं, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 27 मानव कंकाल मिले हैं, तो दोनों आंसर हम सही मान सकते हैं, जैसा एग्जाम में आ जाए वैसा हमको लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आप जीएन पांडे की पुस्तक देखेंगे जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श, पुस्तक का नाम है पुरातत्व विमर्श, तो उसमें 17 मानव कंकाल होने का उल्लेख है लिखैया में, यानी लिखैया में कितने मानव कंकाल मिले हैं, 17, ये बताते हैं जीएन पांडे अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में। दूसरा है जॉन आर लुकास, ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ओरेगॉन विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे ओरेगॉन विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर थे, इनका मानना है कि वहां पर 27 मानव कंकाल मिले हैं। तो 17 और 27 दोनों संख्या बताई जाती है, लेकिन सर्वाधिक है, अब चाहे 17 हो वो तब भी सर्वाधिक है, 27 हो तब भी सर्वाधिक है, तो ध्यान रखिएगा। विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र के किस स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर होगा लिखैया से, और लिखैया कहां पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर में, कहां पड़ता है, मिर्जापुर में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी सवाल है, भारतीय सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपको इसमें सब कुछ बता दिया गया, बस आपसे ये पूछा गया है कहाँ, बस इतना बता दो, सिंपल सा। क्या नाम है संग्रहालय का, पहले तो वो याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पहले इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, बाद में इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, और इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो इसकी स्थापना हुई है, ये बना है भोपाल में, कहां पर है, भोपाल में है। ठीक, अब एक और सवाल, जब ये आ ही गया तो भोपाल में अगर हम बात करें तो भोपाल के समीप, भोपाल कहां है, मध्य प्रदेश में। अब भोपाल के समीप मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायसेन, कौन सा जिला, रायसेन जिला, भोपाल के समीप है रायसेन जिला, रायसेन जिले में भीम बेटका की गुफाएं, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको एक बार, यहां पर बस पूछ रहा हूं, भीम बेटका की गुफाएं मिलती हैं, की खोज हुई थी, भीम बेटका की गुफाओं की खोज। सवाल है ये खोज कब हुई, 1957-58 में, दूसरा खोज किसने की, तो वी एस वाकणकर ने। ठीक, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, कहां है भीम बेटका की गुफाएं, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में, पूरा पता है ये, कभी अगर आपको जाना हो तो आपको मैंने ये पूरा पता बता दिया,
आप आराम से जा सकते हैं बिना किसी से पूछे हुए। अब्दुल्लागंज जाना है आपको, पहले मध्य प्रदेश जाना है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जाना है, फिर वहां पर अब्दुल्लागंज नाम की जगह पे जाना है और आपको भीमबेटका की गुफाएं मिलेंगी। वहां पर भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज है वो की थी बीएस वाकणकर ने, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। सीधा सीधा पूछा हुआ सवाल है और क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो ये हमारे पाषाण काल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको एक बार इनका रिवीजन अच्छे से करना है, फिर आपका पाषाण काल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।